सॉलो में जो है कर हमें लाइव सॉलो गजार की इस वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जी गाइस, i12 TWS i12 एयरपॉड्स की। और गाइस पिछली जो हमने अनबॉक्सिंग की थी गाइस, यानी पिछली नहीं, वो हमने की थी i7 STWS की। और गाइस ये नए नए हैं, यानी ये नए हैं, एक i12 के बाद i15 भी, i15 भी, i19 Max भी हैं। और गाइस आज हम लोगों ने ले लिए हैं जी i12 के एयरपॉड TWS के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है TWS2 वायरलेस स्टीरियो i12। और डब्बे पे साइड पे कुछ मेंशन किए गए हैं, कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे गाइस मेंशन किया गया है कि ये ऑटो पावर ऑन, और गाइस ये ऑटो पेयरिंग, टच यूजिंग सीरी, और गाइस सीरी भी है इसके अंदर, ओपन द लिप एंड कनेक्ट ऑटोमेटिकली। और गाइस शायद इन लोगों ने ना स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पे एन येगा यू लगाना था इन लोगों ने, लेकिन एन लगा दिया। ऑटो पावर ऑन, ऑटो पेयरिंग, और जो कि गाइस i7s में नहीं था लेकिन इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ से गाइस डब्बा थोड़ा सा दब गया था, बाय द वे मैंने ड्रास और पीके से मंगवाई है। अब इसकी जो प्राइस है वो गाइस 666 की, लेकिन इन गाइस डिलीवरी चार्जेस के साथ 865 की हो जाती है, जैसे कि गाइस आप लोगों को बताए द्रास ऐसे ही करता है। और गाइज ऑटो पावर ऑन, यहाँ पर भी इसकी सारी हाईलाइट मेंशन की गई हैं, ओपन द लिप एंड कनेक्ट ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी सारी हैं। और पीछे यहाँ पे एयरपॉड्स बने हुए हैं, और ये गाइज लाइटनिंग केबल कनेक्टर के साथ आते हैं, चार्जर नहीं मिलता, मेड इन चाइना, हमारे पास वाइट है, इसके अंदर रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक भी आते हैं, लेकिन मुझे वाइट पसंद है इसलिए मैंने वाइट लिया। तो सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और इसका जो बॉक्स है वो फंस गया है यहाँ पर। अगर एप्पल एयरपॉड्स होते ना तो गाइज उनका बॉक्स नहीं फंसता कभी भी, मैंने एक चीज़ उनकी नोटिस की है, जब भी मैंने उनका डब्बा खोला तो उनका बॉक्स नहीं फंसता। तो इसको हमें ऐसे करके खोलना पड़ा, इतना ज़्यादा टाइट है, i7s का इतना टाइट नहीं था। खैर हम लोग इसको साइड पे रख देते हैं यहाँ से। और ये रहे जी हमारे एयरपॉड, जिनकी लुक एयरपॉड्स जनरेशन 2 जैसी है पूरी। गाइज नीचे लाइटनिंग कनेक्टर के लिए पोर्ट है, पीछे बटन है, और ये गाइज ये अब मैग्नेटिक हो गए हैं गाइज, जैसे आप देख सकते हैं मैग्नेट है, पहले वो ऐसी सिंपल सिंपल से बंद हो जाते थे, लेकिन अब इनके अंदर मैग्नेट ऐड कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैग्नेट है। और हम लोग अपने एयरपोर्ट को साइड पे कर देते हैं और आगे चल के देखते हैं कि क्या है बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर और गाइज यहाँ पे एक केबल है जो कि USB से गाइज, जो कि USB से गाइज लाइटनिंग कनेक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एप्पल एयरपॉड्स की बिल्कुल इन लोगों ने कॉपी बनाई है। और नीचे यहाँ पर हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है यहाँ पर, और ये इंग्लिश में और चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। और हम लोग खैर इसको अंदर रख देते हैं, और इसकी केबल को भी, और इन चीज़ों को हम लोग साइड पर कर देते हैं, बल्कि इस केबल को बाहर निकाल देते हैं। और गाइज इस केबल को मैं खोल देता हूँ, मैं आपको लगा दिखा भी दूंगा, ये लगा के केबल ही नहीं खुल रही, इस केबल ही नहीं खुल रही, गाइज केबल खोल दी हम लोगों ने। और अब हम लोग यहाँ से इसको इसके अंदर रखते हैं, डब्बे को साइड पर रखते हैं, और अगली जो गाइज वीडियो आएगी वो i7s और इसको कंपेयर किया जाएगा, वर्सेस हो गए इन दोनों का। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे, गाइज मेरे व्लॉग आने ही वाले हैं, गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अनबॉक्सिंग की होगी, फिर उसके बाद गाइज मेरे व्लॉग्स ही ज़्यादातर, गाइज मेरे फिर व्लॉग्स ही बहुत ज़्यादा आएंगे। अभी गाइज आप लोग इंतजार कीजिएगा, व्लॉग्स भी आएंगे। तो ये रहे जी हमारे एयरपॉड्स i12 एयरपॉड्स। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से इनको खोल लेते हैं, और गाइज मेरे पास अभी कोई फ़ोन या डिवाइस नहीं मौजूद जिससे मैं इनको कनेक्ट करके दिखाऊं। वैसे जब हम कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ डिवाइस पे वहाँ पे लिखा आ रहा होता है i12, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और गाइज तो हम लोग यहाँ से एक एयरपोर्ट को यहाँ से निकाल के भी देख लेते हैं, और यहाँ पे बैक पर एक बटन भी दिख गया है, अगर इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ से ब्लू लाइट जल जाती है, और अगर हम एक को अंदर लगाएंगे तो एक आप रेड कलर की लाइट भी देख सकते हैं कि एक रेड कलर की लाइट अंदर जल रही है, जिससे चार्ज हो रहे होते हैं, जब हम निकालते हैं तो रेड लाइट बंद हो जाती है। और गाइज ये जब जैसे हम खोलेंगे और हमारे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन होगा तो खुद ब खुद पेयरिंग हो जाएंगे, जैसे एप्पल के एयरपॉड्स 2 में होता है। और गाइज ये बिल्कुल एप्पल एयरपॉड्स 2 की कॉपी है। और गाइज TWS के अंदर TWS एयरपॉड्स प्रो भी हैं, वो भी एप्पल एयरपॉड्स प्रो की कॉपी हैं। और गाइज अब तो बहुत सारी कॉपीज़ आ गई हैं गाइज, ये आप बाय कर सकते हैं 600 के, लेकिन दराज डॉट पी के से 865 के मिलेंगे। दराज गाइज महंगी चीज़ें देते हैं।
खैर गाइस ये मैं आपको लाइटनिंग केबल की पोर्ट के अंदर लगा के देख देता हूँ, और ये फिर उस यूनिट पे लग जाएगा, फिर चार्ज होगा, नीचे ग्रीन कलर की लाइट जल रही होती है। और अभी हम लोग इस चार्जर को भी साइड पे कर देते हैं, और ये रही जी हमारे एयरपॉड। और गाइस ये गाइस बहुत ज़्यादा यानी गाइस स्मार्ट हैं, और गाइस ये मेरे i7s वाले एयरपॉड से गाइस ये ना छोटे हैं बहुत ज़्यादा, और गाइस इनकी जो गाइस डब्बा है वो भी गाइस बहुत ज़्यादा छोटा है, गाइस बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और गाइस ये ऐसे करके खड़े नहीं हो सकते, हाँ जी गाइस ऐसे करके खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। और गाइस ये कान में बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल एप्पल एयरपॉड्स 2 जैसे लगते हैं। और गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका सेंसर भी, गाइस यहाँ पे इसमें बटन नहीं है, इनमें भी सेंसर दिया गया है, और यहाँ पे माइक्रोफोन है, यहाँ पे इसके स्पीकर्स हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही है, और नीचे गाइस इसको गाइस चार्ज करने के लिए ये ऐसे मैग्नेट्स दिए गए हैं, और गाइस मैग्नेट्स ऐड कर दिए इसमें बहुत सारे, अब गाइस मैग्नेट हो गए। तो गाइस ये मेरे न्यू एयरपॉड्स थे, और गाइस ये थी एयरपॉड्स i12 एयरपॉड्स की अनबॉक्सिंग। और गाइस ये बिल्कुल एप्पल एयरपॉड्स 2 की कॉपी है, गाइस ने चीज़ नोटिस की है, पहले मेरे पापा के पास थे एप्पल एयरपॉड्स 2, तो गाइस मैंने उनको भी देखा था, वो ये बिल्कुल उनकी तरह, बस इसमें यहाँ पे एक बटन है, उसमें भी बटन है, और गाइस ये बिल्कुल उसकी कॉपी है। और गाइस बस यही थी आज की वीडियो, और गाइस बस यही थी आज की वीडियो, और गाइस वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो लाइक कीजिएगा, और गाइस मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, और गाइस दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, फॉलो मेरे दुरानी 1886 के नाम से आईडी है। और बस ये थे आज की वीडियो, और गाइस व्लॉग्स आने वाले हैं, इस वीडियो के बाद एक अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी, फिर गाइस मेरे व्लॉग्स ही आएंगे ज़्यादातर, और फिर अनबॉक्सिंग की वीडियो शायद कम हो जाएंगी, और फिर मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स ही आते रहेंगे 2-3 महीनों तक, फिर हम अनबॉक्सिंग की भी ज़्यादातर लाएंगे। तो बस ये थे आज की वीडियो, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैनल की गेमिंग वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।